पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पेपर 1.1 एंड 1.2 पैजागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स टोटल मार्क्स 50 40 एक्सटर्नल थ्योरी है जिसकी बात इस पेपर में करेंगे वीडियो में करेंगे इंटरनल प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का है ऑब्जेक्टिव्स अंडरस्टैंडिंग वर्ड ऐड कर लेना है जो कंटेंट आगे होगा फर्स्ट कोर्स कंटेंट है यूनिट फर्स्ट इकोनॉमिक्स एंड कंटेक्स्ट एंड कंसर्न फर्स्ट पॉइंट जो आपको लर्न करना है कंसेप्ट हमेशा ही होगा कंसेप्ट इम्पॉर्टेंस ये हो सकता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन सिंपल है स्कोप का क्वेश्चन रिपीटेड 8 मार्क्स का ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ स्कूल सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स इन रिलेशन टू कॉमर्स ये होगा क्या कि इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का रिलेशन ये क्वेश्चन ऐसे आता है इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री का रिलेशन ऐसे आता है इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का ऐसे रिलेशन आता है और ये सिविक्स का मेरी बुक में जो काफ़ी पुरानी बुक है उसमें एक एक का ये देखे ना हेडिंग क्योंकि कई बुक्स में ऐसा था कि इकट्ठों का जो जहाँ इसका एक पैरा ऐसे था लेकिन अब कई और ऑथर्स ने भी कर लिया होगा तो काफ़ी पॉइंट बने हैं आपको सिंपल पॉइंट से पता चल जाएगा कि रिलेशन क्या है इम्पेरिकल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल साथ में ली गई हैं ऐसे ही इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स का डाटा इंटरप्रेट करना है कैसे करेंगे है ना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सर्वे करना है इकोनॉमिक्स में तो टी टेस्ट लगाना है कोरिलेशन देखना है स्टैट्स है ना एग्रीकल्चर तो प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है साइंस साइंटिफिक मेथड अप्लाई करना है सो इकोनॉमिक्स की अपनी हिस्ट्री है ज्योग्राफी का क्योंकि रा जो मटेरियल है उससे उसके साथ रिलेशन है सिविक्स है सिविक्स का जो पर्पस बेसिकल होता है मैंने ना हर जो आपका आपको पता होना चाहिए आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं हम कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है फॉर एग्जांपल एम क्या है ना ये सिविक्स आया सिटीजनशिप मेरे सामने आ गई तो कॉमर्स आया ट्रेड आ गई वेलफेयर आ गया पास्ट आ गया है ना सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मटेरियल लाइफ ये आ गया तो ये क्लियर होता है मैथ का रीजनिंग है ना डाटा इंटरप्रिट डाटा एनालिसिस है तो ये वर्ड आपको दो चार पता होने चाहिए जिसके इर्द गिर्द आप एकदम सोच के किसी का भी उत्तर दे सको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एट सेकेंडरी लेवल इन द लाइट ऑफ NCF 2005 अब 2023 आ चुका है देखो वो आता है लेकिन एम्स क्या होंगे कुछ ऐसे नहीं है कंस्ट्रक्टिविज्म है ना ये डोमिनेट कर रहा है इसमें अगर कंस्ट्रक्टिविज्म पता है तो एम एंड ऑब्जेक्टिव आप खुद भी बना सकते हो ये सेंट्रल आइडिया है कि कैसे इस टॉपिक को इजी रखना है समझना है कंस्ट्रक्टिविज्म TET की तैयारी करेंगे साथ में करेंगे अलग से वीडियो भी उस पर बना दूंगा यूनिट 2 है पेडागोजिकल इशू है मेथड ऑफ टीचिंग ये मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट होगा सारे मेथड्स हैं TET के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्चर है लेक्चर कुछ नहीं है जैसे मैं बोल रहा हूँ सिम्बल्स हैं सिम्बल्स फेंक रहा हूँ दूसरी तरफ वन वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है लिसनर जो है सुन रहा है लिसन कर रहा है बस इतनी बात है हाँ ये हो सकता है कि ये वर्ड्स बोले भी जा रहे हैं यहाँ लिखे भी जा सकते हैं साथ साथ में है ना तो अगर थोड़ी क्वेश्चनिंग होती है तो लेक्चर से थोड़ा शिफ्ट होने लगते हैं डेमो साथ में कर लेते हैं और वो लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड बन जाता है पर लेक्चर का मतलब है कि वन वे प्रोसेस जो बोर करता है लंबा होने पर नीरस होता है एक्टिव नहीं रखता इसको लर्नर को टीचर को एक्टिव रखता है दैट इज़ वाई TET में हमेशा ये गलत आंसर होता है और ये प्रोसेस जो है इसको वन वे प्रोसेस को ट्रांसमिशन कहते हैं ट्रांसमिशन एक बात अभी मैंने कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की है ना तो बिल्कुल उसके उल्ट कंस्ट्रक्टिविज्म में खुद बच्चा एक्टिव होकर अपनी नॉलेज याद बनाता है इसमें रेडीमेड नॉलेज जो है बनी बनाई नॉलेज है कोई लेता है इतना फर्क है दिस इज द फंडामेंटल तो इसके बिल्कुल ओपोजिट है डिस्कशन में क्या है कि एक जना है या दो जने हैं जहाँ तीन जने भी हो सकते हैं अब ये बोल रहा है ये सुन रहा है ये सुन के समझ के इसके अपने जो ओपिनियन है आर्गुमेंट है उसका जवाब दे रहा है दैट इज़ वाई दिस इज टू वे प्रोसेस ये कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज का पार्ट हो जाता है डिस्कशन इज बेटर राइट आंसर होता है TET में इंडक्टिव मेथड भी कंस्ट्रक्टिविज्म का है डिडक्टिव जो है
ट्रांसमिटिव अप्रोच है। जब हम ये है कि इंडक्टिव में क्या है कि पहले आप आई से, आई मैंने याद रखा इंस्टांसेस, जहाँ वॉवल, वॉवल का वॉवल से ऐसे एसोसिएशन किया हुआ है कि एग्जांपल पहले आएगी। यहाँ एग्जांपल पहले टीचर रखता है, बच्चा उसको एनालाइज करता है। एनालाइज कैसे करता है कि जो सिमिलर एग्जांपल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, जो डिफरेंट एग्जांपल हैं डिसिमिलरिटी है उनको अलग करता है, और सिमिलैरिटी का बेस जब ढूंढ लेता है, वो रिश्ता ढूंढ लेता है, रिलेशनशिप ढूंढ लेता है दो चीज़ों में। फॉर एग्जांपल बच्चे ने डिमांड ये लिख दिया डिमांड और ये लिख दिया सप्लाई, इसमें रिश्ता ढूंढ लिया है ना, तो इट मींस बच्चे ने कंक्लूजन बना लिया, जनरलाइज्ड कंक्लूजन। कहाँ से चले थे? एग्जांपल से। कहाँ पहुँच गए? जनरलाइज्ड कंक्लूजन। ये है पर्टिकुलर एग्जांपल, इसके बोलते हैं पी टू जी, इसका नाम ये भी होता है एक, है ना। सो कुछ नहीं है, केसेस एग्जांपल इंस्टांसेस पेश की जाती है, तो वो इंडक्टिव है। जब आप उल्टा करते हो, बच्चे को पहले ही डेफिनेशन या कंक्लूजन या जनरलाइजेशन टीच कर देते हो, जी पहले आ गई और बाद में उसको जो है एग्जांपल दी, है ना। हम ग्रामर में भी ऐसे करते हैं, पहले डेफिनेशन नाउन की बता के बाद में कहते हैं ये एग्जांपल है। टेक्स्ट बुक मेथड भी यही है, तो ये डिडक्टिव मेथड है। इंडिया में हम बातें इसी की करते रहेंगे, ये कर देना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी की बातें करेंगे, इसी की बातें करेंगे। लेकिन डोमिनेट, मैं डोमिनेट कह रहा हूँ, डोमिनेट हमेशा ही डिडक्टिव अप्रोच कर रही है। आज भी आप टेक्स्ट बुक से, मैं क्या कर रहा हूँ, एक बनी बनाई नॉलेज आपको दे रहा हूँ, आप ले रहे हो। एनालिसिस कौन करता है? राइट आंसर पर पहुंचने की सबको दौड़ लगी हुई है, टीईटी में, यूजीसी नेट में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। प्रोजेक्ट मेथड, इसमें आपको आपका दिल भी शामिल होता है ना, फीलिंग्स भी शामिल होती हैं, और आपका बॉडी मूवमेंट भी शामिल होती है, बॉडी मूवमेंट भी शामिल होगी, और आपका ये दिमाग ऐसे करके दिमाग बना लो, ये भी शामिल होता है ना, तो सोशल इंट्रैक्शन भी होता है आपको। ये देखिए कॉम्प्रिहेंसिव बन गया ना, सारी डोमेन्स आ गई ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, सोशल। तो आपने एक प्रॉब्लम है उसको रियल में एनालाइज करके, उसकी प्लानिंग करके, उसकी सोल्यूशन ढूंढ के उसको अप्लाई करना है। साथ साथ में अप्लाई करते हैं, साथ साथ में फीडबैक होती है। छोटा सा एग्जांपल लेना है तो आप एक मॉडल तैयार कर रहे हो, मान लीजिए, है ना, अपने टीचिंग प्रैक्टिस से पहले करने भी है मॉडल तैयार, तो आपका छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो आप प्लानिंग करते हो, एनालाइज करते हो, उसको सीरियल में बनाना है, यूज़ भी करना है क्लासरूम में। दैट इज मेथड, प्रोजेक्ट मेथड की एग्जांपल है। सर्वे है, सर्वे इट मींस आपको सोसाइटी में जाना पड़ेगा, एक क्वेश्चनर है, एक क्वेश्चन लेके जा रहे हो आप, कुछ क्वेश्चन है ना, वो आप सोशल मेंबर से पूछते हो, ये आपके खेतों में ऐसे कैसे डालते हो, ये कैसे करते हो, है ना, या दुकानों पर जाते हो, मंडियों में जाते हो, उनसे एक दो दस दस बारह क्वेश्चन पूछते हो, और दस बारह क्वेश्चन का 100 जोनों से मान लीजिए आपने डाटा कलेक्ट किया और उसका एनालिसिस करते हो। ये भी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है, साइंटिफिक मेथड है, डाटा कलेक्शन है, हाइपोथेसिस टेस्ट करते हो आप, डाटा कलेक्शन करते हैं और डाटा एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद हाइपोथेसिस टेस्ट होते हैं, वो कंक्लूजन बन जाता है, तो दिस इज साइंटिफिक मेथड, गुड मेथड। इसके अलावा कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए यहां जाएंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग आज ना जो वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे उसमें उन्होंने सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी। तो टीचर क्या करता है, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बना देता है, छोटे ग्रुप में मोस्टली 3 या 4 जने ही होते हैं, एक ग्रुप ये बन गया और दूसरा ग्रुप ये बन गया। अच्छा, ग्रुप बनाते हुए ये ध्यान रखा कि ये कुछ कोई भी चैप्टर टीच करना है, ग्रुप बनाते हुए ये ध्यान रखा कि उसमें एक लड़की भी है, लड़का भी है, एक इंटेलिजेंट भी है, एक किसी और स्किल का भी है, मतलब हेट्रोजिनिटी का मेन, हेट्रो डिससिमिलैरिटी रखेंगे, होमोजिनिटी नहीं रखेंगे। तो उनको कोई जो है लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, और लर्निंग मटेरियल में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, ये है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, टीचर भी साथ साथ में राउंड लेता है, हेल्प करता है, है ना, उनको सोचने के लिए कैसे बेटर किया जा सकता है, वो करते हैं खुद। तो फिर ये भी क्लास में ये ग्रुप अपनी जो है इन्होंने लर्न किया प्रेजेंट करता है, ये अपना प्रेजेंट करता है, ये अपना प्रेजेंट करता है। कोऑपरेटिव लर्निंग के काफ़ी डिज़ाइंस हैं, एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ।
तो ये कोऑपरेटिव इन्होंने जो इन्होंने लर्न किया ये बाकी इनसे शेयर कर रहे हैं इसके क्लास के सामने, जो ये शेयर करेंगे ये लर्न करेंगे, ये शेयर करेंगे ये लर्न करेंगे, इससे इनकी डिस्कशन एबिलिटी, क्वेश्चनिंग की लैंग्वेज एबिलिटी, सोशल स्किल्स डेवलपमेंट, ये सारा कुछ होता है। दैट इज़ वाई कोऑपरेटिव लर्निंग इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके जिग्सा मेथड मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, जहाँ सिलेबस यहाँ आपके आ जाता होगा, तो जिग्सा वो कोऑपरेटिव लर्निंग करेंगे। एक PhD मेरी इसी पर ही चल रही है, कोऑपरेटिव लर्निंग पर। तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया। इसके अलावा है टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। हाँ, ये मेथड्स थे। मेथड्स मीन कि आपने कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है अपने लर्निंग मटेरियल को। अच्छा, टेक्निक को डिफरेंट ढंग से डिफाइन करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस भी करेंगे। सुपरवाइज्ड स्टडी को टेक्निक में रखा है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। कुछ नहीं है, सिंपल बात है, इतनी ज़्यादा बात नहीं है। फॉर एग्जांपल, बच्चे इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे हैं कुछ भी, उनको लर्निंग मटेरियल दिया गया है ना। बच्चे यहाँ पर बैठे हैं या अपने डेस्क पर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, राउंड टेबल में जैसे था पीछे कोऑपरेटिव लर्निंग, वैसे बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो टीचर जो है वो क्या करता है, वो गाइड करता है साथ साथ में, जी जो IDE गाइड है ना, सुपरवाइज करता है कहाँ एरर की है, कहाँ अलाउ करता है कि ये सोर्स नॉलेज आप देख लीजिए, उससे बेटर लर्न कर लोगे। तो बच्चे इंडिपेंडेंट लर्न कर रहे हैं, टीचर उनको साथ में सुपरवाइज कर रहा है, गाइड कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, हेल्प कर रहा है। ये सुपरवाइज्ड स्टडी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब आप कहोगे कि जूरिसप्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल इतना डिफिकल्ट क्या है, इतना याद रखना है, ज्यूरी याद रखो, ज्यूरी जुडिशरी, जुडिशरी में क्या होता है, ला, इतनी बात है। जब ला की बात हो रही है नेचुरली, तो ला वैसे ज्यूरी प्रूडेंशियल का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ ला है ना, एनालिसिस ऑफ लीगल प्रोसेसेस। तो सिंपल इतना इसको ब्रीफ करने लगे हैं, डिटेल में तो समझेंगे। जुडिशरी में क्या होता है, जज है, एक जज के सामने एक जो है वकील ये पेश करता है, वो कहता कि ये दोषी है, वो कहता नहीं दोषी, एक कह रहा है यस, एक कह रहा है नो, ऐसे किस में होता है, डिबेट में नहीं होता, फेवर है अगेंस्ट है, फेवर है अगेंस्ट है। ऐसे ही टीचर है ना, किसी सोशल इशू को उठा के बच्चों को दे देता है और बच्चे उसको स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इतना सारा करके वो क्या करते हैं कि दो टीम्स उनकी बन जाती हैं। दो टीम्स बनाने के बाद नेचुरली है फिर उनके आर्गुमेंट्स होते हैं, आर्गुमेंट्स। तो आर्गुमेंट्स में ये जब इनसे क्वेश्चन करते हैं, ये इनसे क्वेश्चन करते हैं, है ना, तो क्वेश्चनिंग में जो इन्होंने सोचा होता है वो चैलेंज होता है, चैलेंज होता है, वो रीस्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, अपने आंसर को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट डेट होती है जैसे वो कोर्ट केस चल रहा है, तो ऐसे इम्प्रूव होते होते लास्ट में टीचर क्या है कि उनके व्यू को कंक्लूड कंक्लूजन में के रूप में, कंसेंसस के रूप में, कि बेस्ट सोल्यूशन या इसका जो बेस्ट आंसर जो है ना वो ये है। ऐसे यो जुरिसप्रूडेंशियल मॉडल ये सिर्फ सोशल साइंस के लिए ही है। ड्रामाटाइजेशन ये सिंपल है कि ड्रामे के ही स्टेप लगभग आ जाते हैं, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेन में क्या होता है, आइडियाज़, तो स्टॉर्मिंग क्या होती है, तूफान, बड़ी ब्रेन से आइडियाज़ को बड़ी तेज़ी से निकालना, बड़ी गिनती से निकालना। उसमें एक ही फंडामेंटल होता है, नो जजमेंट, यहाँ नो लिखा है, जे फॉर जजमेंट, नो एवेल्युएशन। एवेल्युएशन मीन कि कोई भी आप आइडिया दिया, आप ये नहीं टीचर कह सकता कि बैड, ये नहीं कह सकता, बैड नहीं कहना, गुड बैड कुछ भी नहीं वैसे कहना, हाँ पॉजिटिव आप यूज़ कर सकते हो तो एनकरेज हो सकता है। अगर बैड कहोगे तो मान लो ये आइडिया पर बैड कहा, यहाँ से बच्चे ने अगले आइडिया देने बंद कर दिए, और हो सकता है कि ये आइडिया वेरी गुड हो, ये आइडिया वेरी गुड होता तो ये बैड कहने से बाकी ब्रेन से आइडिया का स्ट्रॉम रुक गया और वो अच्छे आइडिया पीछे आने थे वो रह गए। दैट इज़ वाई फ्रीडम दी जाती है, फुल फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। तो इसके बिना जब आए ये आइडिया, जितने भी आए उनको कलेक्ट करके बाद में इवेल्युएट करके जो बेस्ट आइडिया यूज़ करने थे, कैसे करने थे, है ना, तो उनको फिर अप्लाई किया जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। क्रिएटिव मेथड है, इमेजिनेशन डेवलप होती है, आपकी एबिलिटी पता लगती है। फील्ड में चले जाना है, फील्ड रियल सिचुएशन में चले जाना है और वहाँ के सिचुएशन को इवेल्युएट करना है, अपने जो
थ्योरी आप पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स की, उसके साथ बच्चों को रिलेट करके दिखाना है कि ये देखिए वहाँ पढ़ा था, यहाँ है, कंपैरिजन करते हैं, है ना। तो सिमुलेशन है असली जैसी नकली सिचुएशन में जो टीच करना है। तो जैसे हम मेरे ख्याल में साइंस सिटी गए होंगे, वहाँ भी देखा होगा असली जैसी। मैंने कार ड्राइविंग की एग्जांपल देता हूँ, नकली सिचुएशन में आपको सिखाते हैं। डिफेंस की एग्जांपल देता हूँ, युद्ध से पहले नकली सिचुएशन, नकली प्रैक्टिस की जाती है, है ना, असली जैसी नकली प्रैक्टिस की जाती है। करिकुलम एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम मोस्ट कॉमन है। देखना करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस होता है। करिकुलम होल होता है, ओके, और जो सिलेबस है पार्ट होता है। ये हम सिलेबस कर रहे हैं, सिलेबस थ्योरी ही होता है, ये प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों होता है। इसमें मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर के लिए सजेशन, सब कुछ होता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है। अच्छा, करिकुलम चेंज होता है, मतलब हर स्कूल का डिफरेंट करिकुलम होगा, क्योंकि करिकुलम का संबंध ट्रांजैक्शन से है। ट्रांजैक्शन जहां आप कह लो कि टीचिंग लर्निंग, TLP, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से है, है ना। तो कोई किसी एक्टिविटीज़ को मतलब किसी टॉपिक को एक्टिविटी के जरिए करवाता है, कोई दूसरा स्कूल डिफरेंट तरीके से कराता है। इसलिए करिकुलम डिफरेंट होता है। सिलेबस सभी पंजाब स्कूल एजुकेशन CBSE का, किसी स्टेट बोर्ड का, वो सेम होगा सभी के लिए। ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CTET में अभी तक ये पूछा नहीं गया, लेकिन चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अच्छा, करिकुलर इन डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स वैल्यू एंड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग है कि किसी आइडिया को एक्सेप्ट करना है तो ऐसे नहीं कर लेना, किसी की रिस्पेक्ट करके जहाँ इमोशनली नहीं एक्सेप्ट कर लेना, उसको एनालाइज करना है, एविडेंस से कंपेयर करना है, अपने एक्सपीरियंस से कंपेयर करना है, लॉजिकली फिट बैठता है वो आइडिया नहीं, ये देखना। अगर आप देखते हो, आपने बुक में से देखा, आपने उसको सच मान लिया, आप क्रिटिकल थिंकर नहीं हो। अगर बुक में से लिखा, यार ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता, ये तो गलत लिखा है, तो आप क्रिटिकल थिंकर हो, उसको एनालाइज करते हो। ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी ज़रूरी है। हम रिलीजियस थिंकिंग, रिलीजन में कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जगह नहीं है इंडिया में खासतौर पर, है ना। सो इकोनॉमिक वैल्यू, टेक्स्ट बुक ईजी है, इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है ईजी है, क्वालिटीज इसकी क्या है ईजी है, कि इतने हैंड राइटिंग इल्यूस्ट्रेटिव चाहिए, ऐसी बातें होंगी, सिंपल बातें हैं। सप्लीमेंट्री मटीरियल है ना, किसी जो मटेरियल टॉपिक है उसके प्लस और आपने पढ़ना है, तो आपको गूगल से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, जर्नल से, ये ऐसे सप्लीमेंट्री मटेरियल टीचर प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक्स टीचर क्वालिटीज़ वो सभी सेम ही होगी, है ना। मेरे एक, चलो ये बाद में बताऊंगा, क्वालिटीज़ है वो उसमें लिखी थी सोशल साइंस में, वो पढ़ने के लिए है। तो प्रोफेशनल, अगर कुछ नहीं आता आपका, एक अच्छा टीचर देखो, उसकी सभी क्वालिटी लिख दो, सिंपल बात। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंसेप्ट है ना, कि जब एंट्री हो गई, आपने BEd कर ली, स्कूल में लग गए, स्कूल के बाद में क्या रुक जाना है, नहीं, उसके बाद नए मेथड्स ऑफ टीचिंग है, उसको स्टडी करना है, उनको लर्न करना है, अपनी नॉलेज को एनहांस करना है, अगर रिसर्च कर सकते हो वो करना है। क्रिटिकल जो है, जो डिफरेंट सेमिनार्स, वर्कशॉप हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, है ना, उसमें वेबिनार्स हैं, अब होते हैं उनमें मैक्सिमम कितना पार्टिसिपेट करते हो, लर्न करते हो, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन के बारे में कितना अधिक से अधिक जानते हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। तो इसका कंसेप्ट है, नीड है, वेज ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट मैंने बताई दिए हैं। लास्ट यूनिट है यहाँ पर, कंटेंट ऑफ फ्रॉम NCERT, ऐसे का ऐसे ही करना है, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप TET में SST स्ट्रीम ले रहे हो, उसमें से 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 में से 45 के करीब क्वेश्चन आएंगे, 45 में से 15 क्वेश्चन है ये कंटेंट मिलता होगा, दैट इज़ वे अच्छी तरह से। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर एंड नेशनल इकोनॉमी और पावर्टी एज अ चैलेंज, सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं आपके लिए, प्रिपेयरिंग मॉक बजट ऑफ देयर होम एंड और स्कूल फॉर फाइनेंशियल ईयर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन सेमिनार ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी वन एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, कौटिल्या, वाओ, चाणक्य, कौटिल्या, ओके, अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ, मार्शल एंड पेग्यू, सुजेस्टेड रीडिंग है, मेरी बुक है इसमें, नहीं होगी, नहीं है, मेरी बुक नहीं है इसमें, चलो कोई बात नहीं, है और है,
है मेरी बुक आ गई भी, बहुत पुरानी बुक है, बहुत ही अप्रूव हुई थी। आप देखो एक बार, इवेलुएट करो, देखो क्रिटिकली देखो। अब तो क्या है कि वेरी, ये बात बतानी नहीं चाहिए, मेरी एक दो बुक्स को तो एज इट इज़ चेप दिया गया, चोरी कर लिया गया। मैं नाम भी सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मैं किसी की इंसल्ट या कुछ करना नहीं चाहता, अच्छी बात नहीं है। बड़ी ना मेहनत से, बड़ी ही मेहनत से लिखी है, और आज से तब जब इकोनॉमिक्स की वो नहीं थी। इवेल्यूएशन स्कीम है, आपके दो यूनिट में से दो क्वेश्चन आने हैं, एक करना है, दो आने हैं, एक करना है, दो आने हैं, एक करना है, चौथे यूनिट में दो आने हैं, एक करने हैं, और चारों यूनिट में से दो दो मार्क्स के चार क्वेश्चन आएंगे, वो फिफ्थ होगा। तो पहला क्वेश्चन 8 मार्क का हो गया एक यूनिट में से, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा 2 × 4 हो गया, है ना, ये हो गए टोटल 40 मार्क्स आपके हो जाएंगे। पेपर देख लेते हैं, इसके बाद मेरे ख्याल में कुछ नहीं है, पेपर देख लेते हैं। ये रहा पेपर आपका, ये है ना, सेमेस्टर वन का है 2022, टी पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स, जो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है उनके लिए भी ये सेम ही पेपर है जो कॉरस्पॉन्डेंस वाले हैं। पेपर 1.1 और 2, ये ऑप्शन 4 हो गई है। टाइम अलॉट 3 आवर्स, ये गुड बात है पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की। मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं, तो ये डायरेक्शन है कितने क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट है डिस्कस द कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एज स्कूल सब्जेक्ट, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। एक्सप्लेन द कोरिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स एंड हिस्ट्री, दो पूछ लिए है ना उन्होंने। यूनिट 2 है एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग विद एग्जाम्पल्स। डिस्कस सिमुलेशन एंड ड्रामाटाइजेशन टेक्निक ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। एक्सप्लेन द रोल ऑफ करिकुला इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स वैल्यू एंड क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू द लाइट ऑफ सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हाउ एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट इन इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन विद न्यूमरिक एग्जाम्पल्स। यूनिट 5th है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। एनी 2 एम ऑफ टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एट सेकेंडरी लेवल लाइट ऑफ 2005, व्हाट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग, नीड ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, पॉवर्टी एज चैलेंज। अच्छे क्वेश्चन नहीं है, हिंदी में देख सकते हो, यूनिवर्सिटी ने हिंदी में भी दिया है। मैडम कमलदीप का, टैगोर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, उन्होंने पेपर मुझे भेजे हैं, उनका थैंक यू करता हूँ मैं। सबसे बढ़िया ढंग से उन्होंने पेपर मुझे दिए हैं, सबसे बढ़िया ढंग से। ये रहा पंजाबी में सारा पेपर, देख सकते हो, पॉज करके देख लेना, है ना। थैंक यू।